सुमेरु न्यूज़ पर स्वागत है आपका। दिनेश चंद्र जैन शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पाली जिले में आज तक कुल 170 व्यक्तियों के सैंपल यहां से भेजे गए, उसके अगेंस्ट 160 जो है वो नेगेटिव हैं, 8 हमारे रिजल्ट अभी आना शेष है। 2 व्यक्ति पॉजिटिव थे, जिसमें आखिरी जो हमारा आया था वो लाखोद का था, तो 5 तारीख को हमारा पॉजिटिव हुआ था। उसका फाइनल सैंपल हमने लगवा दिया है, मेरे हिसाब से कल शाम तक उसकी कोई रिपोर्ट आ जाएगी। अगर यदि वो नेगेटिव फाइनली नेगेटिव रहेगा तो हमारे जिले में उसके बाद कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव केस का जो एक्टिव है वो नहीं रहे। जहाँ तक आगे की बात है, उसमें लगातार हम लोग स्क्रीनिंग जो है उसका कार्य लगातार जारी है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा मिलेगा उसका हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट की संख्या भी लगभग आजकल हमने बढ़ा दी है। जितने भी लोग हमको आशंकित लगते हैं या किसी में भी संक्रमण की कोई बात सामने आती है, तो ऐसे व्यक्तियों के सैंपल लिए जाने के निर्देश सभी डाउन द लाइन सभी को दिए। जिला कलेक्टर ने शनिवार को अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार के निर्देशों के पालनार्थ, देखिए किस प्रकार से लाइव बैठक का दृश्य। जिनके लिए कोई विभाग नियत नहीं है, केवल उन्हीं के पासेस जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जाएंगे। बाकी सभी लोगों के पास संबंधित विभाग को अपने स्तर से उसमें जारी करना है। ये आप एक बार उसको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें जो विशेष मुद्दा रहेगा वो आपके एक तो सुमेरपुर के जीवाजी कॉलोनी में पुलिस कर्मियों का, जी हाँ, जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी में इन योद्धाओं का तालियां बजाकर और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, देखिए दृश्य। पाली SDM रोहिताश्वर सिंह के आदेश पर राशन डीलरों ने घर घर गेहूं पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह गोदावास की डरी ग्राम पंचायत का इलाका है, जहां पर राशन डीलर घर घर जाकर राशन वितरण करता हुआ नजर आ रहा है। मारवाड़ जंक्शन, जी हाँ, जिले के मारवाड़ जंक्शन से वार्ड पंच सोनू जैन ने सरकारी कार्यालयों में हाइपोक्लोराइड नामक दवा का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। जी हाँ, वार्ड पंच खुद सैनिटाइजर मशीन लेकर SDM कार्यालय और तहसील कार्यालय के समस्त फर्नीचर पर देखिए किस प्रकार से छिड़काव कर किस प्रकार से जागरूकता का परिचय दे रही है, और नगरपालिका कर्मचारियों का सहयोग करती साफ नजर आ रही है। देखिए, यह है बाली उपखंड के कोठार का गांव, जहां पे आदेशों की अवहेलना साफ नजर आ रही है। नहीं घर घर पहुंच रहा है राशन डीलर, और राशन डीलर को जो घर घर पहुंचाने के आदेश थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रही है। वहीं राशन डीलर की दुकान के बाहर देखिए लंबी लंबी कतारें, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही है। आपके पास भी अगर कोई वीडियो है तो जरूर भेजें सुमेरपुर न्यूज़।